इंसिडेंट बहुत बड़ा है, तकलीफ है पूरे भारत के अंदर। बच्चे यहाँ दब के घुस के मर रहे हैं। जिस तरह से दलाली यहाँ पे होती है रूम रेंट को लेके, एडमिशंस को लेके, मौजूद है जया प्रदाई हुई है कि और मंत्री जो के दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी यहाँ पे आई हुई है, छात्र उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, आप NCR समाचार देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। जैसा कि अभी हम मौजूद है करोल बाग में, पिछले चार दिनों से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और देख सकते हैं जिस तरह से छात्रों की मांग है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी यहां पे आतिशी आई हुई है, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और उसको लेकर लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं। आप प्रदर्शन की तस्वीर देख सकते हैं इस तरह से, किस तरह छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जया पर्दा भी यहाँ पे मौजूद है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से छात्र बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है और लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि छात्रों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन कहना है सिर्फ दिल्ली सरकार और LG कहना सिर्फ 10 लाख रुपए मुआवजा दिया है और इसके अलावा उन छात्रों की जो और मांग है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से, तस्वीर देखिए आप, किस तरह से एकदम छात्र यहाँ पे मौजूद है, जया प्रदाई हुई है कि और मंत्री जो के दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी यहाँ पे आई हुई है, छात्र उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पिछले कई दिनों से छात्र लगातार प्रदर्शन इसी तरह कर रहे हैं। जिस तरह से UPSC के 30 छात्र हादसे की वजह से और बेसमेंट में जिस तरह से पानी भर जाने की वजह से डूब जाने से 3 छात्रों की मौत हुई है, उसके बाद से ही लगातार हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है पूरे दिल्ली में। पूरे दिल्ली में इसी तरह आप देख सकते हैं, कहीं भी चले जाइए, मुखर्जी नगर चले जाइए, करोल बागिया, दिल्ली के कई और इलाके में हर जगह छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के अलावा अब भारत के दूसरे शहरों में भी छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है, जिस तरह से दलाली यहाँ पे होती है रूम रेंट को लेके, एडमिशंस को लेके, जितने फी है जो UPSC स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको इतना ज्यादा फी देना पड़ता है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है, कोई भी सुविधा नहीं होता है। लगातार देख सकते हैं आप किस तरह से, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे छात्र पिछले चार दिनों से ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन की एक बार तस्वीर दिखा दीजिए थोड़ा, एक बार इधर ऐसे ही छात्र देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। पिछले कई दिनों से छात्र ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे ही हादसों से कब सरकार सबक लेगी। आइए थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं, तो किस तरह देख रहे हैं, क्या हुआ, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, मांग तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि जो कुछ भी है। अब यहाँ आतिशी मैडम आई हैं तो काफ़ी उनसे एक हमें उम्मीद है कि वो आई हैं तो यहाँ पर जरूर कोचिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे फ्लड से रिलेटेड, चाहे जो भी यहाँ की जो अथॉरिटीज़ है, कैसे बच्चे यहाँ दब के घुस के मर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जरूर वो कुछ अच्छा करेंगी, ये मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मंत्री जैसा कि आतिशी है, उन्होंने सुबह ही ये चीज़ बोला है कि जो छात्रों के लिए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए नियम कानून बनाएंगे, तो आप वो सहमत है इससे? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ और मुझे अच्छा लगा है कि कम से कम दिल्ली के इतने बड़े मंत्री लोग इस पॉइंट पे लोग वो ध्यान दे रहे हैं, तो देना भी चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कैजुअलिटीज बहुत बड़ी हुई हैं। अगर ये लोग सामने नहीं उठ के आएंगे तो फिर हम जैसे स्टूडेंट का क्या होगा। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि एक मास्टर प्लान भी बन रहा है कोचिंग अथॉरिटीज को नए रूल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दिल्ली सरकार है, अगर उसका कोई मंत्री आके हमारे स्टूडेंट से बात करना चाहता है और हमारी समस्याओं को सुनना चाहता है, तो उन्हें आने देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि समस्या का हल बात से होगा। इंसिडेंट बहुत बड़ा है, तकलीफ है पूरे भारत के अंदर, दर्द है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमें तकलीफ है, और आज उनको यहाँ आने देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, और जो भी हमारी बच्चों की डिमांड्स है मैं समझता हूँ वो पूरी करेंगे, उनको करना भी चाहिए। जी, तो जैसा कि अभी आज दिल्ली सरकार ने कहा है कि अलग कानून बनाया जाएगा इंस्टीट्यूट्स के लिए बनाया जाएगा, तो उसके बाद अगर वो जो आपकी मांग मान लेती है तो प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? देखिए, बच्चों का रोष है, मैं ये तो नहीं कह सकता प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन बच्चों की डिमांड्स माननी चाहिए और दिल्ली सरकार उसको मानेगी भी, और इनकी एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी के तहत सारे जो इनके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट के इशू पर बात हो और उस पर तुरंत प्रभाव से अध्यादेश लाया जाए, उस कानून को इम्प्लीमेंट में लाया जाए। अच्छा। जी, ठीक है। किस तरह देख रहे हैं ऐसे हादसे बार बार हो रही है, सरकार सबक नहीं ले? सर, हादसा ये क्या है कि देखिए, आज से पहले कभी भी LG यहाँ पे नहीं था, LG साइलेंट थे। जब से भाजपा की सरकार ने LG को पावर दी है, दिल्ली सरकार शायद मेरे हिसाब से लगता है कि वो नाकाम हो गई है हर काम करने में।
देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी की तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से यह छात्र लगातार नारेबाजी कर रही है यहाँ पे, विरोध प्रदर्शन की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे पिछले 4 दिनों से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों की जो मांग है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और देख सकते हैं आप तस्वीर देखिए किस तरह से जो दिल्ली सरकार की मंत्री है आतिशी यहाँ पे आई हुई है, जया पर्दा पहले से ही मौजूद है और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार ये प्रदर्शन जारी है, आतिशी मौजूद है, आप तस्वीर देखिए किस तरह से लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, छात्र विरोध कर रहे हैं एकदम। आप दिल्ली सरकार की मंत्री है और इनके पास कई विभाग है लेकिन राजनीति सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जया पर्दा पहले से मौजूद है और मंत्री जो आतिशी है जिन्होंने आज ही ये बोला है कि छात्रों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और नियम कानून बनाए जाएंगे इंस्टीट्यूट्स के लिए। प्रदर्शन की तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से छात्र आज जो है प्रदर्शन, पिछले 3 दिनों से छात्र लगातार थोड़े शांत थे लेकिन आज जो है प्रदर्शन थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि छात्रों की मांग पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है जिसको लेकर छात्र गुस्से में देख सकते हैं छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे के जो दिल्ली सरकार की मंत्री है आतिशी मौजूद है और छात्र लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। जया पर्दा भी यहाँ पे पहले से मौजूद है, वो भी छात्रों को सांत्वना देने आई है लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर छात्रों की मांग कब मानी जाएगी। इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन ऐसे हादसों से सरकार कोई सबक नहीं ले रही है, बार बार ऐसे पिछले साल में मुखर्जी नगर में कुछ इसी तरह की घटना हुई थी लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं ली। छात्रों में रोष है, भारी संख्या में रोष है और क्यों ना हो, जिस तरह से जो छात्र छोटे जगह से पढ़ने आते हैं, सपनों को लेकर आते हैं लेकिन उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे दलालों के जंजाल में फंस जाते हैं, दलाली में फंस जाते हैं, ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, इंस्टीट्यूट्स के इतने फी होते हैं और सुविधा के नाम पे छात्रों को कुछ भी नहीं मिलता है सुविधा के नाम पे। और जिस तरह से बेसमेंट्स में क्लासेस होती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के क्लासेस जो है वो बेसमेंट में चलाए जाते हैं, बेसमेंट्स में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन लगातार वी वांट जस्टिस के नारे छात्र लगा रहे हैं। पिछले कई दिनों से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, करोलबाग इलाके में मौजूद है, यहाँ पे छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? I am an aspirant over here. क्या मांगे आप? People are demanding at least compensation, एक moral responsibility बनती है लोगों की, तो at least वो provide किया जाए। क्या progress हुई है पर एक केस में, FIR की report दिखाई जाए, ये सब ही मांग है बस। सरकार जो है वो आपकी मांग मान सुन रही है? They are listening but progress is quite slow. We want a rapid, fast action. देख रहे जो इंस्टीट्यूट में यहाँ सुविधाओं के नाम पे नहीं मिलती है उसके बाद भी छात्र स्टडी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट करते हैं बट कोचिंग इंडस्ट्री और एंटायर सिस्टम कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होना चाहिए। यहाँ सिस्टम किसकी गलती देख रहे हैं? गलती नहीं है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, MCD और जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए थी उन लोगों को। क्या नाम है आपका? अभी अग्रवाल सर। अच्छा क्या करते हो आप? UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSE। ठीक है, तो किस तरह से घटना हुई है उसके बाद क्या आप लोग की डिमांड है, क्या मांग है? सर डिमांड तो हमारी है, आज ऑफिशियल्स भी आए हैं, उन्होंने भी बातें कही हैं, बातचीत अभी हो रही है, उन्होंने कहा है कि हम आपको रिटर्न में देंगे जो भी बातें रहेंगी। सर हमारी डिमांड ये है कि कंपेंसेशन रहेगी, कंपेंसेशन के बाद सर रेगुलेटरी रहनी चाहिए, द अथॉरिटीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट उनको कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनको उनसे बात करनी चाहिए कि पता तो लगना चाहिए हमें कि कौन है, और जो इन्फॉर्मेशन है हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता लगी है कि कितने जो एक्सपीरियंस हैं वो कितने अंदर थे और कितने की डेथ हुई है, और ये सारी बातें हमने उनको उनसे लिखी है। और उसके बाद सर द एट्रोसिटीज दैट आर मेड टू अस बाय द ओवर एन थिंग लाइक लैंड ओनर्स लाइक BSE है। सर आप एक बात देखो ना कि
स्टूडेंट्स हैं। अब एक 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 लड़की थी सर, उसका कुछ टाइम पहले सुसाइड हुआ था, राइट। अब जब उसका कुछ टाइम पहले सुसाइड हुआ था, उसने अपने नोट में ही लिखा था कि मेरे जो रूम रेंट है, रूम रेंट बहुत ज्यादा महंगी है, उसने सुसाइड करा। उसका 3 पेज का नोट था। तो ये सारी चीजें रेगुलेट होनी चाहिए और ये आश्वासन भी दे रहे हैं, बट बात यह है कि जब होगा तभी हम सोचेंगे ना। इसी तरह से आप देख सकते हैं छात्रों की अलग अलग मांग है और लगातार प्रदर्शन तेज होता रहा जा रहा है। प्रदर्शन की आप तस्वीर देख सकते हैं, करोल बाग के इलाके से छात्र यहाँ पे वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, सरकार कब जागेगी? आखिर ऐसे प्रदर्शन से क्या छात्रों को न्याय मिलेगा? बड़ा सवाल है। आप NCR चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए। नमस्कार।